हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक जो है नई अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, अपडेट है यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है आरपीएससी का और ये कल का नोटिस है 8/8/2024 का। यानी कि दोस्तों, कल आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें कितने गुणा कैंडिडेट को पास किया है और क्या इसमें कट ऑफ रहा है और किन कैंडिडेट को इसमें एग्जाम से बाहर कर दिया गया है, तो दोस्तों सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑफिशियल नोटिस यहां पर जो आरपीएससी का है वो आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हिंदी का रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और दोस्तों, ये जो रिजल्ट जारी किया गया है उन कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए ये रिजल्ट जारी किया है। यानी कि इन कैंडिडेट का जो है अब इंटरव्यू होगा और उसके लिए अलग से जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो रोल नंबर दिए गए हैं वो उन कैंडिडेट के हैं जो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो है पास हुए हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए पास किया गया है हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1612 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि यहाँ पर कितने गुणा कैंडिडेट को बुलाया है। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर है लगभग इसकी जो पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की वो 214 पोस्टें थी यहाँ पर, और 214 को अगर 7.53 से अपन गुना करते हैं तो 1612 कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं। यानी कि लगभग 8 गुना के करीब यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के लिए पास किए गए हैं। इससे पहले दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 2 से 3 गुना कैंडिडेट को दूसरे सब्जेक्ट में जो है पास किया जा रहा था, और यहाँ हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 8 गुना कैंडिडेट को पास किया है। इसका मतलब दोस्तों, बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उनमें भी जो है लगभग 8 से 10 गुना के करीब कैंडिडेट को पास किया जा सकता है। मिनिमम 2 से 3 गुना कैंडिडेट भी पास किए जाते हैं, लेकिन अधिकतम यहाँ पर जो है 8 से 10 गुना कैंडिडेट पास किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंडिडेट पास में हैं उनको यहाँ पर 23/8/2024 तक शाम को 6 बजे तक आरपीएससी का जो कार्यालय है वहाँ पर इस साइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भरना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में यहाँ पर आरपीएससी जो कार्यालय है वहाँ पर भिजवाने हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जनरल का जो कट ऑफ है आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, जनरल का जो कट ऑफ है वो 117.79 पे रहा है। और दोस्तों, ये जनरल यानी कि मेल और फीमेल दोनों का है, और विडो का और डिवोर्सी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अलग है। और वहीं एससी में भी दोस्तों, जनरल के समान यहाँ पर मेल का और फीमेल का जो कट ऑफ है वो रहा है, और इसमें भी विडो का जो है लगभग 67.16 यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रहा है। एक चीज़ दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर चाहे एसटी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एमबीसी है, उनका मेल का और जो फीमेल का जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहा है। और एसटी में केवल 2 नंबर यहाँ पर कम कट ऑफ है, लेकिन लगभग 117 के करीब ही इनका जो कट ऑफ है यहाँ पर है। और ईडब्ल्यूएस और जो एमबीसी है उनका भी मेल और फीमेल का दोनों का बराबर कट ऑफ है। यानी कि यहाँ पर केवल एसटी को छोड़ करके सारी कैटेगरियों का जो मेल और फीमेल का जो जनरल कैंडिडेट है उन सबका बराबर कट ऑफ है, और बाकी की जो कैटेगरियाँ हैं जैसे विडो कैटेगरी है उसका थोड़ा सा यहाँ पर कम कट ऑफ है। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि ये 200 में से कट ऑफ जारी किया गया है। और यहाँ पर जो एक सर्विसमैन और जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर रहा है। और दोस्तों, ये सारे के सारे 200 नंबरों में से यहाँ पर कट ऑफ रहे हैं। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर 200 में से 117 नंबर आए हैं उनको यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए पास कर दिया गया है। एक चीज़ दोस्तों, मैं बता दूँ, 200 में से लगभग 117 यानी कि 118 के करीब जिसके नंबर है वो इंटरव्यू के लिए पास है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1612 कैंडिडेट, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ है ये। 1612 कैंडिडेट को पास करने के बाद में भी, इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट को पास करने के बाद में भी यहाँ पर जो इतना कम कट ऑफ है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की आगे की अपडेट की। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के जो रोल नंबर है वो दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आरपीएससी ने जो 5वें विकल्प का यहाँ पर ऑप्शन दिया था ओमार में, उसको लगभग 10% से अधिक अगर कोई कैंडिडेट नहीं भरता है, यानी कि 10% से अधिक उनको खाली छोड़ करके आ जाता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अब की बार हिंदी में भी लगभग 18 कैंडिडेट को यहाँ पर, यानी कि ये जो रोल नंबर है इन कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं भरा था। यानी कि जो 5वां विकल्प है वो इनमें से किसी कैंडिडेट ने नहीं भरा था, वो भी 10% से अधिक। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें, आगे के जो आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे या आरएमएसएसबी के होंगे उन सभी में जो 5वां विकल्प है उसको भरें, और अगर खाली छोड़ेंगे 10% से अधिक तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जो आरपीएससी है वो जल्दी बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका भी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर देगी, और उनके जो कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनका भी रोल नंबर जारी कर देगी। हालाँकि दोस्तों, जो जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हो रहे हैं उनको अपना फॉर्म जो है आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करना है, भरना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ में आरपीएससी कार्यालय को भिजवाना है, फिर बाद में ही उनका इंटरव्यू का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा।
और दोस्तों जिनकी यहाँ पर योग्यता पूरी नहीं है उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको इंटरव्यू में यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।